नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 9 Pro XL versus Samsung Galaxy S24 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9 Pro XL में 6.41 इंच जबकि S24 Plus 5G में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 9 Pro XL से कम है। विड्थ की बात करें तो 9 Pro XL में 3.02 इंच जबकि S24 Plus 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 9 Pro XL से कम है। बात करें थिकनेस की तो 9 Pro XL में 0.33 इंच जबकि S24 Plus 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 9 Pro XL में 221 ग्राम्स जबकि S24 Plus 5G में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 9 Pro XL में LTPO OLED जबकि S24 Plus 5G में Dynamic AMOLED 2X की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 9 Pro XL में 20:9 जबकि S24 Plus 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9 Pro XL में 6.8 इंचेस जबकि S24 Plus 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9 Pro XL में 1344x2992px FHD+ और S24 Plus 5G में 1440x3120px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9 Pro XL में 89.52% जबकि S24 Plus 5G में 91.4% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9 Pro XL में 482 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S24 Plus 5G में 513 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9 Pro XL में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और S24 Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9 Pro XL में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S24 Plus 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9 Pro XL में Mali G715 जबकि S24 Plus 5G में Xclipse 940 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9 Pro XL में Google Tensor G4 और S24 Plus 5G में Samsung Exynos 2400 मिलता है। बात करें RAM की तो 9 Pro XL में 16GB जबकि S24 Plus 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 9 Pro XL में 5060 mAh जबकि S24 Plus 5G में 4900 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। Thank you.
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 9 Pro XL में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 124,999 रुपीस, 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 139,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें S24+5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 92,999 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 109,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Google Pixel 9 Pro XL में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy S24+5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।